साहेब, 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 पुलिस सेल बैठे आपके गिरफ्तार करे खातिर। आपके समर्थक हिंसक हो गए हैं सर, ये हम पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ते, प्लीज आप ही इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, प्लीज सर। शांत हो जाइए, जब तक हमारे साथ गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग और ये अल्पसंख्यक लोगों का सहयोग है, साथ है, तब तक दुनिया में कोई हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये पुलिस वाले हमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग बस अपना प्यार, अपना साथ, अपना सहयोग लाला यादव के साथ बनाए रखिएगा। लाला यादव जिंदाबाद, 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 हमको पता था कि आप हमको छोड़ने वाले नहीं,
चलिए हम यहीं बैठे हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, पूछिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया। रघुनंदन बाबू, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाला यादव जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, कम से कम ये याद कीजिए, आप उनके करीबी रह चुके हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? और सबूतों के आधार पर पुलिस कह रही है कि लाला यादव जी दोषी हैं। अरे एक एक करके पूछिए भाई, हम भाग थोड़ी रहे हैं, सब सवाल का जवाब देंगे हम आपका। क्या बोल रहे थे भाई साहब? दोषी। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। अरे रंजन कुमार का? रंजन कुमार बैठा। हाँ, इसी झिझक को दूर करने का नाम है लाला यादव, और जिसको आप दोषी कह रहे हैं ना, जानते हैं अब लोग अपना जात और धर्म गर्व से बताते हैं, इसी समानता का नाम है लाला यादव। और आप पत्रकार भाई लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं, इसी आजादी का नाम है लाला यादव। अब लाला ने जो हथियार दिया लोगों को, अब लोग आज उस हथियार को लाला के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें भला लाला का क्या दोष है भाई, बताइए हमको। लेकिन रघुनंदन जी, हमारे पास ये हाल ही में प्रकाशित हुई किताब है, और ये एक तरह से लाला यादव जी की जीवनी है। इसमें लाला यादव जी को नेता नहीं बताया गया है, गुंडा बताया गया है। अरे भैया हम वही तो कह रहे हैं, यही तो आजादी है, कुछ भी लिख देते हैं आप लोग, कुछ भी छाप देते हैं, बताइए ये कोई बात हुआ? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं, लाला यादव जी की सच्चाई बताइए हमें। हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये लालटेन लाला यादव की असलियत और सच्चाई है। ये लालटेन? हाँ आपके लिए सिर्फ ये लालटेन होगा, लेकिन लाला के लिए उजाला का प्रतीक है, लोगों के जीवन में से अंधकार को मिटाने वाला उजाला, झूठ रूपी रात को छाटकर सच्चाई की सवेरा को दिखाने वाला उजाला। रघुनंदन बाबू, वो सब तो ठीक है, आखिर कौन सी ऐसी सच्चाई है जो अभी तक लोगों को पता नहीं है? वो असलियत हमें बताइए। कुंदन राय जी के घर में दूसरा संतान के रूप में पैदा हुआ था लाला। हर चीज के बंटवारा तो सही से हो गई, ई भैंसे में बेमानी काहे करत रहा? का भइल, का बात बा, का बेमानी कइले बानी हम? ई भैंसिया पे हमरो तो अधिकार बा। त का करी, भैंसिया काट के आधा तोहरा के दे दई का? एगो काम करा, आगे के हिस्सा तू ले ला, पीछे के हमके दे दा, बोला मंजूर बा? ठीक बा, मंजूर बा। एगो महा मूर्ख बा और एगो महा चालू बा। आओ आओ आओ, ले 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 आओ। अरे रुक जो तो के नहवावत है, सबर रख। हाँ हाँ देख, भैंसिया के सही से खाईते ना भाई, देखा यार बार छीट दे दिया को सही से। हाँ तो तोहरा जैसा बुड़बक आदमी हम आज तक ले नहीं की देख ले। तोर दिमाग तो ठीक बा, जौन देखा तनी उहे कहा तनी। ऐसन का देख ले लू? ए भैंस के नहलावे ला तू, जियावे ला तू, यहाँ तक की खियावे ला तू, दूध दूह के लेके जाला कौन? तो देवर जी, हमनी के का फायदा मिली है भैंस से? सही कहलू भाव जी, भैया के इन्हीं के भाई बेवकूफ बना दे ले और बन भी गई ले, स्वार्थ जवन करा देवे, ऐसन भाई के सबक सिखावे के पड़ी।
ले, ले खा ले। अरे ले ने खा। ओ, अरे हर भर। अरे ये क्या कर था वो? दिखाई नहीं देत कि दूध दुहता नहीं। तो हम का करी? हम तो चारा खियावता नहीं। तो बाद में ना खेता का चारा? हम चारा खियाए तो बस दूध निकल बा। तू ही तो काले रहला कि आगे के हिस्सा तोहार और पीछे के हिस्सा हमार। तब खिलावा तू, दुहा तानी हम, आ गोबर उठाओ तानी। का छोटका भैया, आप तो बहुत गजब के बेवकूफ बनावला बिरजू भैया के। हम का बेवकूफ बनाओ तो नहीं, खुद मंजूर के ले रहला कि आगे के हिस्सा इनकर और पीछे के हिस्सा हमार। अच्छा बिरजू भैया, अब पीछे के हिस्सा तू ले ला और आगे के हिस्सा इनका के दे दो। हाँ। अरे इसे कैसे? ए लाला, ये हमनी का परिवार का मामला, तू बीच में मत बोल। परिवार के नहीं, न्याय और अन्याय के मामला है। भैया आज से तू दो बाल्टी में दूध निकली है और भौजी अब आज से गोबर उठावल करी है। हम केकरो साथ अन्याय नहीं देखल चाहत। इसका मतलब कि विधायक जी बचपने से विधायकी कर रहे हैं। आगे बताइए ना सर, बहुत मजा आ रहा है आगे। अरे जिसका बचपन ऐसा था उसका जवानी कैसा रहा होगा? गांव के सीधे साधे हमारे लाला को कहां पता था कि पटना के हर गली में राजनीति है, तो इस राजनीति से पटना कॉलेज कैसे अछूता रहता। करे हेने आओ, हेने आओ, हेने आओ, आओ हेने। बोली कहां रहले चार दिन? गए लनी शादी में पुआ के घरे। अरे बताओ ना, तोर का चलता? कुछ ना, बस पढ़ाई। हट तने साइड, हट साइड, हट हट। ठीक है रे। ए का बात बा? हाँ। वाह। और इधर आओ। और क्लोज और पास आओ। हाँ। न्यू एडमिशन बा? हाँ। का नाम बा तो? रियली? चुपचाप भैया के सही नाम बता दे। हमरा जगह कोनो और लड़का रहित ना, तो रैगिंग करती पहले और नाम पूछती बाद में। सुन ले, नाम बताओ। का नाम मारे? राधा। राधा। ओ माय गॉड, बजाओ बांसुरी। बड़ा अच्छा नाम है राधा। पटना से बाड़ो कि कहीं और से बाड़ो? सीतामढ़ी से बानी हम। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से बाड़ी। यानी कि गंगा के पार से आइल बाड़ो है? गंगा के पार सैया हमार। एगो काम करो, तू हमरा के बहुत पसंद आ गई। हाँ। क्लास खत्म हो जाए ना, तब आके हमरा से मिल ली है। काहे? ए, चुप। जोन भाई साहब कहत रहे तोन कर, ज्यादा फटफड़ो ना। ना करब। का कह रे? हैं? हम कहनी कि ना करब और ना के मतलब ना हो। अच्छा? खेला। हाँ। ना करबे। नया नया बाड़ी। हाँ। अभी एकरा के मालूम नहीं खे के कॉलेज के अध्यक्ष हैं। सुन, जन भाई साहब को आता ना, चुपचाप कह दे। ता अपन मनमर्जी कर बा। तू के बड़े रे, तू हो जा लगत है नया नया इल बड़े। तू रोक बे हमरा मनमर्जी करे से? देखा ही कॉलेज है तो आर घर ना कि अपन मनमर्जी करबा तू। हमने क्या अभी मालूम चला कि कॉलेज हो? तू कौनो स्टूडेंट बड़े कि लेक्चरर बड़े? हम लेक्चरर तो ना है, बस इतना कहो तो लोग उनसे के लड़की के परेशान मत करो जा। तो का कर ले बे? इके लागे ले तो तू रोक बे हमरा के? एक कॉलेज के यूनियन अध्यक्ष है, तू रोक बे? रैगिंग करे के पूरा हक बा हमरा। रोक, चल रोक। Rock now!
पछताइबे, बहुत पछताइबे। चंचल से पंगा जानाते है जब पटक देख घास दे तारा देख ले देख लेम तारा के बहुत जल्दी देखम तारा के। चलो भैया चलो। आज तक चंचल चौबे के दूसरा के पिटा देखले रही जा, आज पहला में पिटा देखनी है जब भाई। मजा आ गेल भाई। बहुत सही भैया, छोड़ के गलती हो गई। ठीक है भैया, पकड़ा गई। हाँ अब कुछ हो जाए करके ना छोड़ब। ते हमनी से झूठ काहे बोल ले। ए रुक, कहाँ लेके जाता रहा, का गलती कैले बा? ये आपन धर्म छुपा के हमनी के साथ जोन कैले बा ना, ओकरे सजा देता नहीं। पहले कॉलर छोड़, का हो जोन कहता ना सच बा? जी भैया। काहे कैला है सन? भैया हम मुसलमान हैं, अगर ये लोग के बता देती तो ये लोग कभी भी हमरा के रूम में ना रहे दे। यही खातिर हम अपन नाम बदल के रहत रहनी। चलो ही मुसलमान होके अपना बचाव में झूठ बोललस कि एकर नाम मनोज सिंह है, लेकिन मनोज सिंह की जगह मनोज राम, मनोज बैठा, मनोज पासवान, मनोज दास, मनोज तुरहा, मनोज कोरिया, मनोज हरिजन रहित ना, तब भी तो लोग उनका व्यवहार एकरा संगे इहे रहे। काहे से कि तो लोग इंसान के संगे ओकर जात पात देख के ओकरा संगे व्यवहार करे ले जा। एकरा तो सजा मिलबे करी और जरूर मिली, काहे कि हमरा कॉलेज में मुसलमान कोनो बैन नहीं खे। हाँ। इतना दिन से धर्म बदल के ई हॉस्टल में काहे रहत रहे, पूछ एकरा से। एकर जिम्मेदार भी तोहरा जिसन लोग बागुंजन। ई कॉलेज के पहला दिन ही समझ गई हुई कि तो लोग एकरा संगे एकर जात देख के एकरा संगे व्यवहार कर बजा, यही से ही झूठ बोललस। एगो बात ध्यान रखा जाए, विद्यार्थी के कोनो जात ना होला, विद्यार्थी के सिर्फ एक जात होला, वो है विद्यार्थी। आज के बाद एक कॉलेज में विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी वाला व्यवहार करिह लोग। अगर तोहरा के जा कोनो समस्या बा तो तू हमरा साथे रहिए। चलो सामान उठावा अपन। ला हो गई, चल भागे जैसे। चल हटाओ, ए ए जाए देखने के, जा ले जा। भैया क्या है, जाए दो लोकरा के सजा तुम लेके चाहिए ना, देखा कैसे बचा के लेके चल गई। कब तक बचाई एकरा के? देखा था जैसे तू अपना गांव में फेमस रहला, वैसे तू यहाँ भी फेमस हो गई बड़ा, खास करके आज के घटना के बाद सारा के सारा स्टूडेंट्स तुहार फैन बन गए बड़े। हाँ भाई, ई प्रसिद्धि के तहरा फायदा उठावे के चाहिए। ई बार जो चुनाव होके जाता ना छात्र संघ के चुनाव, खड़ा हो जा मार दे बाबाजी। हाँ यार, ताके चुनाव में खड़ा होके के चाहिए, कारण कि कई साल से उ यहाँ चुनाव जीत रहल बा। एकर कारण सिर्फ एक एगो बा, ओकरा अगेंस्ट केहू खड़ा होके के हिम्मत ना करेला, और तोहरा में हिम्मत भी बा और छात्र के सपोर्ट भी बा। अरे वो खाली छात्र नेता होखला के वजह से यूनियन और पूरा कॉलेज में धाक जमाई ले बा। अगर तू कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा होगा तो पूरा कॉलेज ना तोके सपोर्ट करी। बोलिए लजा, अब हमार सुना। हमें जा इलेक्शन लड़े खातिर ना आयल बानी, हम तो आयल बानी पढ़ाई पूरा करे, और हमके पढ़ाई के अलावा राजनीति वाजनीति में कोनो दिलचस्पी नहीं है, है ना? अब तो नहीं। जा भैया जा। हमार भैया हूँ। हे मेरी भी, ये जीती हैं। हाँ भैया जीती हैं। हाँ देख लिया तू। हाँ अरे भैया जीती हैं। साइन कहाँ करेगा बा? लो साइन हो गई। चंचल चौबे जिंदाबाद, चंचल चौबे जिंदाबाद, चंचल भैया जिंदाबाद, चंचल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, तू ही जिंदाबाद, चंचल भैया जिंदाबाद, चंचल भैया जिंदाबाद। भाई चंचल चौबे ने आगामी छात्र संघ चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अभी तक इन्हीं के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। आप में से कोई और छात्र या छात्रा आगामी चुनाव के लिए पर्चा भरना चाहता है तो यहां आकर नामांकन दाखिल करा दे। केहू के हिम्मत देखे भाई। चंचल भैया जिंदाबाद। रोक बुड़बक, हम लड़ब चुनाव।
लाला भैया जिंदाबाद, लाला भैया जिंदाबाद। डेरैला के कोनो जरूरत नहीं है, खुल के बोला जा। लाला जादू जिंदाबाद, लाला जादू जिंदाबाद, लाला जादू जिंदाबाद, लाला जादू जिंदाबाद। लाला यादव, ए लड़का में इतना हिम्मत कहां से आ गेल रे कि तोरे खिलाफ खड़ा हो गल। अभी नया नया आइल बा कॉलेज में, तीन चार बार तो हमरे से भिड़ंत हो गेल बा अभी तक। भैया धीरे धीरे ओकर हवा बंद रहल बा। ओकर हवा के रोके के पड़ी, नहीं तो तोरा खातिर ठीक नहीं है। रउआ टेंशन ना ली, कुछ ना उखाड़ पाए। अच्छा एक बात बताओ, तोरा कॉलेज में दलित और मुस्लिम कितना बड़ा है, उन्हन के मेजोरिटी तो ना ना बा? ना भैया, दलित और मुस्लिम हमने के कॉलेज में कम बा, ज्यादा से ज्यादा 30%। और स्वर्ण जाति के लेखा ज्यादा बड़न सा हमने के कॉलेज में, और स्वर्ण जाति के लेखन के वोट हमरा के मिले। टेंशन मत ले, तब तो तुर जीत पक्की है। इलेक्शन के बाद लाला यादव के देखा के बड़े। चल शुरू कर। चंचल चौबे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंचल चौबे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हारे वाला उम्मीदवार आ गेल बा। देखत ना भील, बाप रे बाप, हमने कितना मेहनत करनी जा तब वो दसों को लेकर ना मिला। अभी ले मीटिंगे चलता। हाँ भाई, हमरा लगा था कि हमने के चुनाव हार जाए। ए सुन ले रे, वोट दिया था चंचल भैया के। तू सबन, इनके हिम्मत देबे के बजाय इनकर हिम्मत तोड़ तड़ जा। ठीक तो कहता लोग, जौन देखा था लोग तौन कहा था लोग, भीड़ कुल तो ओकरा साथे बा। ई सब ना भोकाल बा, हमेशा जनता ना एक दिन पहले सोचे ली कि उनकरा के केकरा के वोट देवे के चाही और केकरा के ना। हमने के सिर्फ अपन प्रचार पे ध्यान देवे के चाही। ठीक बानो, हाँ चलल जाओ फिर, चला लो। स्थिति समाप्त होकला के बाद चंचल चौबे लाला यादव से 165 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण के समाप्ति के बाद चंचल चौबे लाला यादव से 270 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे चरण की गिनती के बाद चंचल चौबे लाला यादव से 480 वोटों से आगे चल रहे हैं। बजाओ सर, बजाओ सर। अंतिम चरण के गिनती के समाप्ति के बाद लाला यादव चंचल चौबे से 85 वोटों से जीत प्राप्त करते हैं। घोड़ा खता नहीं, अरे
भैया चुनाव जीत गनी राउर आशीर्वाद से मुंह मीठा करी। चुनाव ते ना लाला यादव जीतल है। ई कैसे हो गए? वोट की गिनती होत रहे तो हम तो बहुत आगे रहने, पर जब नतीजा निकलल तो तोरा के पछाड़ देलस। लेकिन ई कैसे? कॉलेज के सारा स्वर्ण लैकन के समर्थन हमरा पक्ष में बा, पूरा मेजोरिटी हमरा पक्ष में बा। अब सारे लैकन के खाली लैकन का वोट लिए, खाली लैकन के गिनबे हैं? लैकन के गिनती के करीब है हमार बाप लैका पक्ष में रहे। कॉलेज के सारा लैकी तोरे खिलाफ और लाला यादव के पक्ष में वोट दहली है। आपन इमेज सुधार, लेकिन के नजर में ते रावण बाड़े और ललवा राम। कुछ भी हो भैया, कॉलेज में माहौल तो हमरा पक्ष में रहे। वोट के गिनती में कुछ ना कुछ गड़बड़ भइल बा। कुछ गड़बड़ ना भइल, रातो रात सारा बाजी पलट गई ले। ये सब और राधवा के चलते भइल। राधा? ई कैसे भैया? भैया राधवा के नहीं जानत, उहे जाके सबके समझौले कि चंचल भैया के वोट ना देवे के बा। राते राधा, हर बार तू लोगन के सामने चंचल चौबे के अलावा और कोनो विकल्प ना रहे। हाँ, पर ई बार विकल्प बा, हमार लाला यादव। बाप रे बाप, तू चाहता रू कि हमनी के चंचल चौबे के खिलाफ वोट करी? ना बाबा ना, अगर वो जान जाई तो हमनी के कॉलेज में रहल मुश्किल कर दी। यह बस यह डर खत्म करे खातिर तू सबन के ई बार लाला यादव के वोट देवे के पड़ी। लाला यादव बहुत ही नेक लड़का बा, और ये बात तू सब लोगन के बतावे की जरूरत नहीं खे। लाला यादव एक दिन बहुत ही अच्छा छात्र नेता बनी, ये हमार विश्वास बा। जे एक तरफ ऊ चंचल चौबे और दूसरी तरफ हमार लाला यादव, तू लोग खुदे जाना था रू कि ई दोनों में से किनका के चुनल सही रही और केकरा के ना। भैया उराधवा के तो हम छोड़ब ना। चंचल, राजनीति में ऐसा कौनो फैसला ना करे के चाहिए जकरा चलते पछतावा हो। फैसला ऐसा करे कि काम भी हो जाए पछतावा भी ना हो। हाँ ठीक बा, चल रहे। हाँ लड्डू दे, लड्डू दे जो। हाँ खुश लिखो, चल खा ले खा ले खा ले। आई हाय दूधवा पियाई रस लेला झरेला पनिया के मिल जाए अकेला, पनिया के मिल जाए अकेला, पनिया के मिल जाए अकेला झरेला, पनिया के मिल जाए अकेला। भैया ये यूनिवर्सिटी में पहला बेर छात्र और छात्रा लोगों के इतना खुशनुमा माहौल में देखनी है। वाह, एकदम मतलब जियरा हरियर आ गई तो लोगों के खुश देख के। ईश्वर करें कि हमन के यूनिवर्सिटी में हमेशा इसे ही खुशहाल माहौल बनल रहे। छात्र नेता होके के नाते कोशिश करब कि तो लोगों के कोनो समस्या ना आवे। ठीक बा, और आज के सभा यही जा समाप्त कर जाई। रात ज्यादा हो गई बा, बरसातो हो रहा बा, चलल जाओ अपना अपना घरे। लाला आज के सभा तो खत्म हो गई, लेकिन हमके कुछ बात करे के बा तहरा से। कहा ना ए लाला, जे बात करे के होई ना सुबह में करिया, इतना रात हो गई, चला आज रात एजे रुक जा, चला। लेकिन चला चला सुना लाला, अरे चला।
अरे यार ठीक ये लाला। अरे उठा मर्दे, देखा देखा बगलवा में के भी आ राधा। ये राधा, राधा, ये राधा, रघुनंदन हाँ ये तो मर गल भी है यार। इका कतला ये देखे इंस्पेक्टर साहब, ये ललवा अपने ही दोस्त के हवस के शिकार बना के जान से मार दे ले। काबुलतर तू इंस्पेक्टर साहब, इस शर्मनाक हत्या में एकर सबसे बड़ा हाथ बा, काहे कि रूम एकरे बा, पूछ ले ही केकरो से। ना इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोलत आई, हमरा का मालूम नहीं खे कैसे आई ली जा। हवलदार, गिरफ्तार करो इन दोनों को और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ले चल, 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 चल। अब राधा देखी, अरे इंस्पेक्टर साहब हम कुछ नहीं की कही ले। सुन स्वर्ण होके ओबीसी के सपोर्ट कर दे तो होकर अंजाम ये हो खेला, जौ के साथे घूम भी पिसा जाला, बुझा गए। चल चल चल, अब जाए तो बेटा के जेल में जाके बेटा सड़ा सा। ए रुका, केने जाता हुआ है ने चला। सर सर, लाला हमार बेकसूर बा, वो अपराधी ना, अगर कोनो गलती ना हो बेकसूर बा सर छोड़ दे। जमानत चाहिए जमानत। हाँ सर, कहते नहीं छोड़ दी, वो बेकसूर बा, अगर कोनो गलती नहीं खे। जमानत के पेपर दिखावा। अरे खाक जमानत, जमानत का वो बेकसूर बा काका जमानत लेके आई सरकार। हम कहता नहीं कि हमार लाला इतना घोर अपराध कभी ना कर सकेला, हमार लाला बेकसूर बा। तू जज बनल बाड़ा, वो इतना बड़ गलती कहले बा कि ओके अपराध के कोनो क्षमा नहीं के, कोर्ट से जाके कागज लेके आवा। अरे निर्दयी हो गेला तू लोग सब, सरकार के तू लोग सरकारी गुंडा बन के बैठल बाड़ा, जे दोषी बाऊ बाहरी घूमता आज जे निर्दोष बाऊ के बंद कहले बाड़ा लोग। लाला मत घबराइया भाई, तोहर बाला जब तक जिंदा बा तोहर बाल बा का केहू ना कर सकी। कोर्ट से जाके जमानत लेके आओ, तनी तू चिंता ना करिया, हम समझ लेब इन लोगन के, ते चिंता मत करिए। ऐसे मुंह काहे लटकैले बाड़ा, तू तो हरदम हंसते खेलते रहेला। चाचा जी, लाला के पुलिस पकड़ के ले गई। का बात करत रह तू, लाला के पुलिस पकड़ ले गई काहे खातिर? ओकरा पे कोई खून के इल्जाम लगा देले बा। खून के इल्जाम लगा देले बा? हाँ। बाला के माई। हाँ का भाईल? देखो ही का कहता, कहता कि लाला के पुलिस पकड़ के ले गई। का बोले तानी रहुआ? वो जेल में बा, बाला तो बान हो जा, देखभाल करत हुई ओकर। चाचा बाला भैया के भी कल एक्सीडेंट हो गईला। एक्सीडेंट? ए बाबू रे, तू काहे खातिर हमरे से मजाक करत तानी, ऐसन मत कर। चाचा सही बात बा, और अब हमनी के बीच में नहीं कर। हे भगवान, तू ही का कहला, का कहला तू भगवान? एक बेटा के ऊपर उला लेला, दूसरा के जेल भेजवा देला, हम कौन ऐसा पाप कहले वाली, हम कौन ऐसा पाप कहले वाली कि हमरा कैसा दुख देना? हे बाबू, चली पटना। उठ उठ चला ना बेटा। हाँ हमरे के लिए चले, आखिर हमरा उकरो के तो छोड़ाए के पड़े। एगो काम करो, हमनी
के भाग में ना रहे, ये चलते हो गए बिहारे पटना ले चलिए बेटा, बिहारे पटना ले चलिए। भगवान भला के भाई चुप रहे। ये है भैंस बेचे का बाका। अच्छा ही बताई, पहले तो ना बेचे कर रहा अपन भाई। पहले हमरा जरूरत ना रहा भाई, बाकी अब हमरा ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूट गए, यही से हमरा पैसा के बहुत जरूरत बा, यही से बेचे के पड़ता। ठीक बा, आई रख ली। गिन के दे नहीं बड़े तो ना, ना एक बार गिन लिया अच्छा रहे। ठीक बा भाई। पैसा रुआ ले ली, हमार लड़का लाला के बचा ली, काहे कि हमार बेटा गलत ना कर सकेला साहेब, ना कर सकेला। आपके बेटे को बचाने के लिए पैसे की नहीं सबूत की जरूरत है। उसके ऊपर बलात्कार और खून का आरोप लगा है। ना ना साहब, ऐसा शब्द मत कहीं, वो कबो ना कर सकेला साहब, हमरा पूरा विश्वास बा साहेब, पूरा विश्वास बा साहेब। ये वो लड़का पहले ही भगवान छीन ले ले, वो पूरा घर के सहारा रहे, ये है वो लड़का बचल बा, ये सहारा बा, भैंस बेच के ये पैसा ले आइल बानी, और हमरा पास एकरा सिवाय कोनो सहारा नहीं के, बहुत आस लगा के बड़ी दूर से आइल बानी साहब, हमर विश्वास करी साहब, हमार बेटा ऐसन कबो गलती नहीं के कर सकत साहब, कबो गलती नहीं के कर सकत साहब। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप हिम्मत रखिए, लाल को बचाने के लिए सबूत की जरूरत है। सर हमरा लाला के फसावल खेल बा। किसी पे शक है? सर शक ना, हमरा पूरा विश्वास बा कि चंचल चौबे ही हमरा लाला के फसौले बने। खून कॉलेज में हुआ है, तब तो वहाँ कुछ ना कुछ तो सबूत जरूर मिलेगा, देखते हैं। ठीक बा साहब। इतना सब हो जाने के बाद चाचा चाची ने, यानी यानी लाला के माता पिता ने लाला की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और उसको लेकर के वापस गांव आ गए, और बिना देखे लाला का ब्याह तय कर दिए। लाला के जीवन में हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाली रुक्मणी देवी है। रवा बैठी,
पक्का से निकल के झोपड़ी में आई हो, पता है तुम्हारा घर पक्का का है, पर हम बनाएंगे इसको, ठीक है? लाला बेटा आ गया? हाँ बाबू। ए बाला के माई, एक गिलास पानी लेके आओ, लाला आ गई बड़े। कुछ काम मिलल बेटा? तू तो काम खातिर शहर गई रहलनू। ना बाबू, जहाँ जाता नहीं सभी है कहता काम नहीं खे। ला बेटा। बेटा अगर तारा जल्दी से कोनो काम ना मिलनू, घर द्वार चलावर बड़ी मुश्किल हो जाई। तू एगो काम कर बेटा, पटना चल जा। जे तुहार भैया काम करत रहले उहे काम कर ल। हाँ बाबू, अब कोनो दूसरा रास्ता बचलो नहीं के, हम काले पटना के ट्रेन पकड़ लेता नहीं। हाँ लाला। अरे बेटा, अपनी मेरारू के भी साथ लिया जा, तू अपन काम दान करिया और तुहार खैला पीला पे ध्यान दी। अरे माई, हम उनका के लेके जाए तो तोनी का ख्याल के रखी। अरे बेटा, हमनी इतना भी ना बुढ़ा गई बानी के अपन ध्यान ना धर सकेनी। हाँ बेटा, तोहर माई बिल्कुल ठीक कह रहल बाड़ी, तू दोनों प्राणी चल जा, वहाँ तुहार देखभाल करिए, हमनी के कौनो चिंता करे के जरूरत नहीं खे बेटा। ठीक बा बाबू। नेताजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहा? हमारा नाम लाला यादव हुआ, यूनिवर्सिटी के हम छात्र नेता रह चुके हैं। वाह बहुत बढ़िया। अभी हमरा पास समय नहीं खे, अपन समस्या बतावा। अरे समस्या ये है कि पूरा राज्य में जात पात और बेरोजगारी टांग पसारे हुए है, किसी के पास कोनो नौकरी उकरी है नहीं, हमारे पास भी नौकरी नहीं है। बतिया तो सही है, नौकरी सभी को मिलता कहाँ है। एक काम करो, तुम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम करो, नौकरी मिल जाएगी। अरे नाना, हम पार्टी के कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे ही कहना चाह रहे हैं कि आप अपना पार्टी का कहीं से एक ठो टिकट दे दीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं है, टिकट के लेन देन की बात आप हमारे पीए से कर लेना। जी चलो। टिकट के लेन देन इनकर पीए देख लंका। सुनिए, तो आपको टिकट चाहिए? जी जी जी। तो आपको भी टिकट चाहिए क्या महाराज? नहीं नहीं नहीं, हम तो लाला के बारे में बोल रहे थे ना। मेरे पास दो को टिकट है, एक टिकट आप ले लीजिए और एक आप ले लीजिए। अरे महाराज, तो बस का टिकट है। तो क्या हवाई जहाज का मिलेगा? अभी नई नई बस खुली है पटना टू बक्सर, उसी का टिकट है, जाइए और ऐश कीजिए। हम आपसे गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। हम मजाक कर रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं? ऐसे टिकट मिल जाता है? अरे छोड़िए ना नेताजी। नेताजी क्या बात है सर? आपका पीए तो सीरियस से नहीं ले रहा है हमको, हम इनसे विधायक का टिकट मांगे, बस का टिकट पकड़ा दिए। अरे तो जौना लाग रहा वह ना मिली। तू छात्र नेता रह चुकल बाड़ा तो तोहरे के विधायकी के टिकट दे दे। यहाँ तो घर घर से छात्र नेता और युवा नेता निकल रहा बाड़े, तो सबका हम टिकट दे के अपन पार्टी के बैंड बजवा दे। विधायकी के टिकट कौन इतना आसान बका जी, बहुत पापड़ बेले के पड़ेला जी, दाल भात के कबर समझ ले बाड़ा तू। जितना आसमान पे उड़बा ना उतना धड़ाम से गिरबा, बुढ़ौती आ जाला विधायकी के टिकट पावे के सबके यही जा। अब है तू बच्चा बाड़ा काजी। हे बाबू, बहुत जल्दी में बाड़ा है, बस का टिकट ला और घरे चल जा अपने, चल। बड़ा मेहनत करेंगे पढ़ेला यहाँ तक पहुँचे में। मिल गए का? हाँ बड़ा आइले।
एक मिनट। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।